नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। अमेरिका के डॉक्टरों ने एक बड़ी खोज करते हुए सुअर की किडनी को इंसान के शरीर में सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया है। ये कारनामा न्यूयॉर्क शहर के NYU लैंगॉन हेल्थ मेडिकल सेंटर के सर्जनों ने किया है। बड़ी बात यह है कि सुअर की किडनी इंसान के शरीर में सफलतापूर्वक काम भी कर रही है। इस सफल प्रत्यारोपण से आने वाले दिनों में मानव अंगों की कमी को दूर किया जा सकता है। अंग की कमी को दूर करने के लिए सुअर के ऊपर काफी दिनों से रिसर्च किया जा रहा था। डॉक्टरों का कहना है कि शरीर के इम्यून सिस्टम ने सुअर के अंग को तत्काल खारिज नहीं किया। डॉक्टरों के मुताबिक ट्रांसप्लांट से पहले सुअर के जीन को बदला गया था ताकि इंसान का शरीर उसके अंग को तुरंत खारिज ना करे। ये पहली बार है कि किसी इंसान के शरीर में जानवर की किडनी का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया गया है। इससे पहले जब भी ऐसे ट्रांसप्लांट की कोशिश की गई तो वो असफल रही, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इससे किडनी की खराबी से पीड़ितों की जिंदगी में एक उम्मीद जगी है। बताया जा रहा है कि एक ब्रेन डेड मरीज की किडनी काम नहीं कर रही थी, इसके बाद उसे सुअर की किडनी लगाई गई। हालांकि ये काम करने से पहले डॉक्टरों ने मरीज के परिजनों से इसकी अनुमति मांगी थी, उसके बाद ही ये प्रयोग शुरू किया गया और ये सफल रहा। डॉक्टर और शोधकर्ता चिकित्सा विज्ञानी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि लंबी अवधि में इसके क्या परिणाम होते हैं। न्यूयॉर्क के जॉन्स हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन में ट्रांसप्लांट सर्जरी के प्रोफेसर डॉक्टर डॉरी सेगेव ने कहा, हमें अंग की लंबी उम्र के बारे में और जानने की जरूरत है। फिर भी उन्होंने कहा, ये एक बड़ी सफलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।